तो दोस्तों आज की जो न्यूज है वो तो शायद आपने सुनी होगी इरफान खान के बारे में। आई हैव नो वर्ड। काफी एक लीजेंड एक्टर थे और एक हमारी जो बॉलीवुड का जेम है वो मतलब खो दिया हम लोगों ने। सो मतलब काफी एक अच्छा फील नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी जो लाइफ हिस्ट्री थी वो काफी ज्यादा इंस्पायर करती थी मुझे। दैट्स व्हाई मुझे काफी थोड़ा सा मतलब बुरा सा लगा था और मैंने ट्विटर पे इसके बारे में थोड़ा बहुत पोस्ट वगैरह भी डाला था। सो खैर अभी जो लिखा है वो तो हो नहीं है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं Realme के अपडेट्स के बारे में। मतलब जितने भी फोन थे उनमें अप्रैल का जो अपडेट है वो अभी तक नहीं आया है। रोल आउट किसी भी फोन में नहीं किया गया है। मतलब कुछ ऐसे फोन हैं जिनमें रोल आउट कर दिया गया है जैसे कि 5S हो गया, 5 हो गया। इन कुछ फोनों में यहाँ पे Realme का जो अप्रैल का अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है और कुछ फ़ोनों में आपको देखने को मिल गया है। लेकिन ऑलमोस्ट हम लोगों को 3 प्रो वगैरह में काफ़ी जल्दी अपडेट देखने को मिल जाता था। इस साल अब मतलब इस महीने और इस महीने में अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये कब हमें अपडेट देखने को मिलेगा एंड हमें क्या अपडेट में मतलब क्या ऐसा खास क्या देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करें वीडियो को। आप Realme की कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, एंड तक देखना। इसमें सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ कि आपको जो अपडेट है वो कब तक मिल सकता है। स्टे ट्यून्ड, लेट गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं Realme के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग Realme के सॉफ्टवेयर पेज पे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, जब मैं बताता चलूँगा कि आपको किन किन फ़ोन में अप्रैल का अपडेट देखने को मिल जा चुका है और अभी किन किन फोन्स में देखने को आगे मिलेगा और किस डेट के आसपास देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 6 प्रो में यहाँ पे अपडेट देखने को मिल चुका है। 21/4 को ये जो अपडेट है वो रोल आउट कर दिया जा चुका है। इसके बाद C3 में भी आप देख सकते हो कि रोल आउट कर दिया जा चुका है अप्रैल का अपडेट, और 5i में भी अपडेट जा चुका है। X2 में अपडेट अभी तक नहीं गया है। यहाँ पे मार्च का अभी तक अपडेट पड़ा हुआ है। अब इसमें भी देखते हैं कि कब तक जाता है। देखो X2 में मेरे ख्याल से जाएगा मई की फर्स्ट वीक तक। ये रोल आउट अभी शायद नहीं होगा, मतलब अप्रैल में नहीं हो पाएगा। मई की फर्स्ट वीक तक अप्रैल का अपडेट जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Realme X2 की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे X2 Pro में रोल आउट हो चुका है। अपडेट धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगा। 27 को ये रोल आउट किया जा चुका है, और अगर कोई चाहे तो यहाँ पे अपडेट लॉग में और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है। अपडेट लॉग में चेक कर सकता है और यहीं से डाउनलोड भी कर सकता है। बाकी अगर हम बात करते हैं 5 प्रो की, तो 5 प्रो में भी अभी तक अपडेट नहीं गया है। 25/3 को यहाँ पे मार्च का अपडेट गया था जो कि मार्च वाला ही है, और अभी अप्रैल का इसमें कोई भी रोल आउट नहीं किया गया है। XT में भी अभी तक नहीं गया है, मार्च का ही पड़ा हुआ है अपडेट। और ये है 5S। 5S और Realme 5 दोनों में ही अपडेट जा चुका है। तो अगर आप लोगों के पास Realme 5 या फिर 5S दोनों में से कोई भी फ़ोन है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको अपडेट मिल जा चुका है। 5 में तो ये देखिए 28 को ही रोल आउट किया गया है, एंड आज 29 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये 5S में भी 28 को ही किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं Realme X की, तो यहाँ पर 26/3 का अपडेट पड़ा हुआ है। अब देखो Realme X, ये जो इनकी X सीरीज़ है वो थोड़ा सा मतलब एक मिड रेंज फ्लैगशिप में आती है, तो यहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो थोड़ा जल्दी पुश होते हैं। लेकिन जो X है, इनका X है, वो सबसे पहला फ़ोन था इस सीरीज़ का, तो यहाँ पे अब अपडेट थोड़ा सा लेट होता है, डिले होता है। ये मतलब पहले XT वगैरह में पुश करते हैं, उसके बाद X में पुश करते हैं, X2 और X2 Pro में पहले पुश करते हैं, और X पे थोड़ा सा मतलब अब कम ध्यान देते हैं। और 3i की बात करें तो 3i में यहाँ पे अपडेट जा चुका है, अप्रैल का आपको अपडेट देखने को मिल गया है। इसके बाद 3 प्रो की बात करें, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 3 प्रो, इसमें अभी तक कोई भी अपडेट नहीं रोल आउट किया गया है। अगर मैं यहाँ पे मार्च की बात करूँ, तो मार्च में यहाँ पे दो अपडेट रोल आउट किए गए थे। फरवरी का लेट हो गया था इनका, तो इन्होंने मार्च के फर्स्ट वीक में इन्होंने फरवरी का जो अपडेट है वो रोल आउट किया था, और उसके बाद मार्च के एंड होते ही होते यहाँ पे 24 तारीख को इन्होंने जो मार्च का अपडेट था वो रोल आउट कर दिया था। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं C2 का, हाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 प्रो के अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, तो देखो मैं बता दूँ 3 प्रो का जो अपडेट है वो आपको या तो 30 के पहले देखने को मिल जाएगा, मतलब आज 29 हो गई है, कल तक अगर देखने को मिल गया तो मिल गया, वैसे मुझे लगता नहीं है। और इसका भी अपडेट मेरे ख्याल से मई के फर्स्ट वीक तक जाएगा, और अपडेट में क्या नया देखने को मिलेगा ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे C2 की, तो C2 में भी आपको वही मार्च तक का अपडेट देखने को मिला है, उसके बाद का अभी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है।
एंड अगर C2 की बात करें तो इसका जो अपडेट है वो आपका मई के सेकेंड वीक तक खिंच सकता है, मतलब ये अपडेट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, अप्रैल में तो हो पॉसिबल नहीं है। और 3 की बात करें तो 3 में आपको अपडेट देखने को मिल चुका है अप्रैल का, आप देख सकते हो। और U1 में भी आपको मार्च तक के मिला है, और U1 में भी अभी तक मिलना बहुत मुश्किल है, इसका भी अपडेट आपको शायद मई तक देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये जो अपडेट है वो अभी Realme UI पे चल रहा है, मतलब अभी तक जो मैंने फ़ोन बताए हैं उनका जो अपडेट है वो Realme UI पे चला। U1 में आप मुझे बताना कि आपको Realme UI देखने को मिली है कि नहीं मिली है। एंड अगर हम C1 की बात करें तो इसमें आपको जो है अप्रैल का अपडेट देखने को मिल गया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे अपडेट लोग में मैं चेक करके बता देता हूँ, और ये अभी एंड्रॉयड 9 पे चल रहा है, यहाँ पर कोई भी Realme UI नहीं है। तो यहाँ पर आपको अप्रैल का अपडेट देखने को मिल गया जो कि अभी पुराने ही वाले वर्जन पे चल रहा है ColorOS 6 पे। और 2 Pro में भी देखो यार, अभी मेरे ख्याल से इसमें भी Realme UI नहीं दी गई है, यहाँ पर भी अपडेट जो दिया गया है वो मार्च का ही है, अभी भी इसमें पुश नहीं किया गया है। 2 Pro का मेरे ख्याल से आपको जो Realme UI का अपडेट है वो मई या फिर जून में देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है कि 2 Pro का जो नेक्स्ट अपडेट हो वो Realme UI के साथ आए, सो हो सकता है इसमें काफ़ी आपको डिले देखने को मिले। एंड 2 की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको अप्रैल का अपडेट देखने को मिल चुका है, लेकिन ये भी जो है वो आपका Realme UI पे नहीं है, ये भी ColorOS 6 पे ही चल रहा है अभी तक। Realme 1 तो बहुत ही पुराना फ़ोन हो चुका है, इनका सबसे पहला फ़ोन था, और इसमें भी अभी तक अपडेट्स दे रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो अभी इसमें भी आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, और ये भी मई के एंड तक खिंच सकता है, इसमें अभी आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। ये कोरोना वायरस की वजह से अभी सारे अपडेट जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं, मतलब ऐसे ही समझ सकते हो आप। जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपको मई के ही एंड तक देखने को मिलेंगे। इन सारे जो बात के फ़ोन मैंने आपको बताए, Realme 1 हो गया, Realme 2 हो गया, 2 Pro हो गया, इन सारे में अपडेट जो है वो आपको काफ़ी डिले देखने को मिलेगा। बाकी जिनके पास 3 Pro वगैरह है एंड काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है Realme के, तो उनको अपडेट देखने को मिल जाएगा टाइमली, मतलब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, इसी अप्रैल तो आज ख़त्म ही, कल ख़त्म ही हो जाएगा, मई के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन और अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग नई क्या चीज़ देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन, मतलब ये तो मैं पक्का नहीं बता सकता कि आएगा ही आएगा, लेकिन जिनके फ़ोन में Realme UI का अपडेट आ चुका है, जो कि स्टेबल अपडेट चला रहे हैं, उनके फ़ोन में Realme की जो चार्जिंग एनिमेशन है वो आपको देखने को मिल सकती है काफ़ी सारी। तो ये कुछ अपडेट हो सकता है। बाकी अगर हम अदर फीचर्स की बात करें तो देखो यार, पहले से हम कुछ भी फिक्स बता नहीं सकते कि आने वाले अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलेगा एंड कौन कौन से बग्स फिक्स किए जाएंगे, ये जब आएगा तभी हमें पता चल पाएगा। फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, एंड होप करते हैं कि आपको इस वीडियो से ये पता चला होगा कि आपके फ़ोन में कब तक अपडेट मिल जाएगा। एंड 3 Pro वाले आप लोग परेशान ना हो, मेरे पास भी 3 Pro है, अगर आपके पास 3 है या फिर और भी कोई भी Realme की डिवाइस है, तो अगर आपको जानना है कि आपके मतलब फ़ोन में कब तक अपडेट आ जाएगा तो उसकी वीडियो भी आ जाएगी, तो चिंता मत करो, जैसे ही आएगी मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, यहाँ पर रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसको ग्रे कर देना, दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको आती रहे, एंड डिस्क्रिप्शन में सारी सोशल मीडिया की लिंक्स हैं, तो जा करके वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।